मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ, जो कि मैंने एक कपड़े को कट करके फ्लावर कैसे बनाना है वो वीडियो आपको आज बताऊंगी। तो देखिए, मैंने पहले से ही कट करके रख लिया है। ये कपड़ा जो है मैंने लिया था पिंक कलर का, तो मैंने अलग अलग कलर में ये कपड़ा कट करके रखा है जिसे हम फ्लावर बनाएंगे, इसलिए हमने इसी शेप में कट भी किया है। तो इसे इसमें बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने ये रिबिन लिया है, चार कलर के कपड़े का फ्लावर कट किया है, और ये धागा मैंने लिया है जो जो कलर का हमें इसमें धागा लगेगा। आप एक ही कलर का भी बना सकते हो धागे से, क्योंकि इसमें दिखाई नहीं देगा धागा। तो इसे चलिए हम शुरू करते हैं किस तरह हमें बनाना है। आप अलग अलग भी बना सकते हैं, मैं आपको एक ही साथ बना के चारों दिखा रही हूँ। तो ये मैंने रिबिन ले लिया है, धागा मैंने पहले से ही डाल के रखा था। तो देखिए, अब हमें यहाँ गिठान लगा के रिबिन को लेना है, और रिबिन में एक से दो बार इस तरह हमें सुई को टाका लगा देना है। फिर ये कपड़े को जो हमने कट किया है फ्लावर के शेप में, इसको इस तरह एक फोल्ड लगाना है, फिर दूसरा फोल्ड इस तरह लगाना है। देखिए, एक फोल्ड लगाना है, दूसरा फोल्ड इस तरह लगाना है, और इसे सुई में इतना ही पार्ट हमें डालना है, सुई में इतना ही पार्ट हमें डालना है। इसी तरह हमें ये पांचों फ्लावर इसके अंदर अटैच करना है, सुई में ही रहना चाहिए, धागे के अंदर नहीं लेके जाना है। अभी तो हो गया, देखिए तीन हो गया, चार हो गया, और ये हमारा पांच हो गया। देखिए, हमने सुई के अंदर ही सब रखा है, इसे इस तरह घुमाना है। देखिए, फ्लावर का शेप हमें इस तरह देना है, हमें इस तरह घुमाना है इसे। अब घुमाने के बाद हमें इसे ऐसे पकड़े रहना है नीचे की तरफ, और रिबिन के पास इसको ले जाना है, रिबिन के पास इसे ले जाना है, ले जाना है। देखिए, रिबिन के पास इसे ले जाना है, और इस तरह इसे सीधा करना है। आप इसे सीधा किए, और सीधा करने के बाद इसे नीचे की तरफ फिर सुई लेके जाना है हमें। एक बात का रिबिन जो हमारा देखिए मुड़ गया है, इसे फिर से सीधा कर लीजिए, और इसे नीचे की तरफ लेके जाना है, नीचे की तरफ इसे लेके जाना है। देखिए, धीरे धीरे इसे ऐसे यूँ करना। देखिए, हमारा फ्लावर बनके तैयार हो गया, और बहुत ही सुंदर फ्लावर हमारा बना है। इसी तरह जिस तरह हमने ये बनाया है, तो मैं आपको एक और बना के बता रही हूँ। अभी हमने एक बना के मैं आपको बताया, तो इस तरह हमें पीछे नीचे की तरफ टाका लगा देना है। आप इसे ब्लाउज में लटकन जो हम पीछे लगाते हैं डोरी में, उसे भी मैं आपको बताऊँगी हम इसे लगा सकते हैं। देखिए, ये हमने बना लिया है। देखिए, एक फ्लावर हमारा बनके तैयार हो गया। इसी तरह अब हम रेड वाला बनाएंगे। तो हम धागा नहीं चेंज कर रहे हैं, अभी सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। फिर हमें थोड़ी दूर पे एक बार फिर इसी तरह अटैच करना है, और सुई में हमें पांचों ये जो फ्लावर है, जिस तरह मैंने आपको मुड़ना बताया है, फिर एक बार बता रही हूँ, इस तरह हमें मुड़ना है, और पाँचों इसी सुई के अंदर अटैच करना है। पाँच से ज़्यादा नहीं, पाँच ही चाहिए, चार भी नहीं चाहिए, ना तो हमारा गोल शेप में नहीं दिखाई देगा। तीन हो गया, ये चार, और ये पाँच। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, सुई के अंदर ही रखना है, और इस तरह इसे घुमाना है। देखिए, इस तरह इसे घुमाना है, ताकि हमारा फ्लावर का शेप में लगे, और इसे इस तरह ऐसे नीचे की तरफ ले जाना है, नीचे तरफ ले जाना। ये बात करना है कि अब ये शेप एक जैसा होना चाहिए, ले जाइए। अब इसको नीचे सुई लेके जाना है, सुई नीचे लेके जाइए, और पीछे की तरफ से टाका लगा दीजिए। इसी तरह हमें ये चारों कलर को तैयार करना है।
देखिए हमारा ये दो बनके तैयार हो गया है। इसी तरह हमें ये दोनों भी इसी में बनाना है। जब हमारा ये चारों बनके तैयार हो जाएगा, आप इसे काट के अलग अलग करके भी रख सकते हो, एक साथ भी हम ब्लाउज में पीछे लटकन बनाने में यूज कर सकते हैं। इसे कहीं भी कोई भी चीज़ में आप लगा सकते हो, जहाँ आपको ऐसा लगता है कि लगाने लायक है तो आप लगा सकते हो। तो मैं आपको ये चारों कलर बताने जा रही हूँ कि फ्लावर चारों कैसे बनाना है। तो दो हमने बता दिया है, दो और हम बनाते सेम बनाना है हमको। देखिए मैंने रिबिन में चारों को अटैच करके फ्लावर बना के तैयार कर दिया है। आप इसे काट के अलग अलग भी रख सकते हैं, तो मैं आपको दिखा दूँ। आप काट के अलग देखिए तो आपको कैसा दिखेगा ये देखिए। सिंगल फूल भी आपको इसी तरह, आप इसमें मोती भी लगा सकते हैं, बीच में पर मोती लगाना है। मोती लगाने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगी। देखिए ये मैंने चारों पार्ट काट लिया है। इस तरह हमारा ये फ्लावर बनके तैयार हो गया है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको फ्लावर बनाना आ जाएगा तुरंत।